हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिंपल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास के अंदर हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन चल रहा है और हमारा चैप्टर चल रहा है फिफ्थ, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.5। अभी तक हम 5.5 एक्सरसाइज के अराउंड 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम 12th क्वेश्चन करेंगे। तो 12th क्वेश्चन के हमारे स्टेटमेंट क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन गिवन है हमें, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है, इसका डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है इस एक्सरसाइज की हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि वेरिएबल की पावर में आपको वेरिएबल मिलेगा, तो आपको क्या लेना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट क्या, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल्स टू 1 है। तो क्या देखेंगे हम, सबसे पहले क्या गिवन है हमें, x पावर y प्लस वाई पावर एक्स इक्वल्स टू 1। इसका हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते आ रहे थे, हम लेट वाई इक्वल्स टू गिवन स्टेटमेंट ले लेते थे और उसमें फर्स्ट फंक्शन को यू लेट करते थे, सेकेंड को वी लेट करते थे, फिर यू का डेरिवेटिव करते थे, वी का डेरिवेटिव करते थे, फिर उनको दोनों को एड कर देते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यू ले लेंगे, दैट इज यू प्लस वी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या लेट किया है, लेट फर्स्ट फंक्शन हमने x पावर y को u ले लिया और y पावर x को v ले लिया इक्वल्स टू 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स, और v का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, और 1 क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा एक बार रिक्वायर्ड वो आ गया कि भाई हमें du by dx निकालना है, dv by dx निकालना है, उसे ऐड करके इक्वल टू 0 में रखना है, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखते हैं हम u क्या है मेरे पास, नाउ u इक्वल्स टू क्या है, x पावर y। तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन वी राइट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड्स क्या लेना है, लॉग लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, log u इक्वल्स टू log ऑफ x पावर y हो जाएगा। ठीक है, और log में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, log u इक्वल्स टू y इंटू log ऑफ x हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने डेरिवेटिव कर दिया, u का क्या बनेगा हमारा, log u, दैट मीन्स 1 बाई यू, फिर u का क्या होगा, du by dx, du by dx equals to, इसका कैसे होएगा, u into v से, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u। तो क्या हो जाएगा, y as it is, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x होता है, प्लस log x क्या हो जाएगा हमारा, as it is, y का डेरिवेटिव अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dy by dx मिलेगा, दैट इज dy by dx। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, du by dx equals to क्या आ जाएगा, ये u है, ये ऊपर चला जाएगा वहां पे, तो u ऊपर चला गया, और ये क्या बन गया हमारा, y by x plus log of x into dy by dx आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में हमें करना क्या है, यहां पे हमें u की वैल्यू पुट करनी है, तो u क्या है हमारे पास, du by dx equals to क्या आ गया, u है हमारे पास x power y, तो वैल्यू पुट कर देंगे x power y, तो ये क्या आ गया, y by x plus log of x into dy by dx। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, मान लो पहले हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन दी थी, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन, यानी कि एक पार्ट हमारा हो चुका है क्वेश्चन का, कि du by dx हमें मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, dv by dx फाइंड करना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा dv है क्या यहाँ पे, तो देखिए v क्या, नाउ v इक्वल्स टू, v क्या है मेरे पास, y की पावर x है, v क्या है, y की पावर x, तो हम यहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यही करते हैं हम बोथ साइड्स। नाउ अब हम क्या लेके चलेंगे, लॉग लेके चलते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग v, log v इक्वल्स टू log ऑफ y पावर x, तो देखो पावर क्या हो जाएगी, log की आगे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, log v इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो
लॉग बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय बी, और बी का क्या होगा, डी बी बाय डी एक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं. नाउ 1 बाय बी इंटू क्या हो जाएगा, डी बी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, और एक्स इंटू लॉग वाई का कैसे होगा, यू इंटू वी से, दैट इज यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू. तो x एज इट इज log y का डेरिवेटिव, पहले log का क्या हो जाएगा, 1 by y, फिर y का करते हैं ना, क्योंकि टर्म वाइज हम क्या करते होते हैं, डेरिवेटिव करते होते हैं. तो y का क्या हो जाएगा, हमारा dy by dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस log y एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और मुझे चाहिए क्या है, dv by dx, तो v जो यहां पड़ा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो dv by dx equals to v ऊपर चला गया, और ये क्या बचा मेरे पास, x by y dy by dx plus क्या आ जाएगा, log of y आ जाएगा. अब हमें करना क्या है, यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज y पावर x, तो v की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, dv by dx equals to y पावर x, ठीक है, ये आ जाएगा x by y dy by dx plus क्या आ जाएगा, log of y, ठीक है, ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन. अब आप खुद देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, कि du by dx plus dv by dx equals to zero. अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी, du by dx plus dv by dx की, तो पुट कर देते हैं, मेरे पास du by dx क्या था, नाउ हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि थी क्या, du by dx plus dv by dx equals to क्या था, जीरो था. तो हम यहाँ पे du by dx और dv by dx ही क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. तो क्या था du by dx हमारे पास, देख लेते हैं, x पावर y और y by x plus log x into dy by dx. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या था हमारे पास, x पावर y into y by x plus log of x into dy by dx. ये तो क्या थी मेरी वैल्यू, du by dx की, ठीक है, या यहाँ पे लिख लेते हैं, वहां पे स्पेस कम था, फिर हम dv by dx की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज क्या है हमारे पास, x पावर y, y by x plus log of x into dy by dx, दैट इज क्या है मेरा, du by dx. अब हम मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगी, dv by dx की, वो क्या है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y पावर x इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, log of y हो जाएगा, ठीक है, ये हम रब कर देते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा था du, क्योंकि हम नीचे लिख चुके हैं ऑलरेडी. तो ये इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, इक्वल्स टू जीरो है. अब मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन में चाहिए क्या, dy by dx की वैल्यू चाहिए क्या, आपको यहाँ पे dy by dx दिख रहा है, बिल्कुल, ये रहा dy by dx, एक तो एक ये रहा, तो हम क्या करेंगे, dy by dx वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, दूसरी टर्म को एक साथ रखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ब्रैकेट्स रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स पावर वाई इंटू वाई बाय एक्स हो गया प्लस x पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू क्या आ जाएगा, dy वाई बाय डी एक्स. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, y पावर x इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. अब आप खुद देखो, जो अपोन में हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे देखो जैसे x है, x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, ये x की पावर क्या है, y है, जब ये ऊपर जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे x पावर 1 है तो ऊपर जाके x पावर माइनस 1 होती है, ये बात सबको पता है कि जब पावर प्लस की ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, या ऊपर वाली माइनस है नीचे आती है तो वो प्लस हो जाती है. तो हम इसे क्या लिखेंगे, नाउ x की पावर y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा, x पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे, y की पावर x है, नीचे y है, तो y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया. अब मेरा नेक्स्ट वर्क क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्क है कि मुझे dy by dx को एक साथ रखना है, बाकी टर्म्स को एक साथ रखना है, यानी कि कॉमन निकालना है dy by dx को. तो देखते हैं dy by dx कहाँ है मेरे पास, एक ये रहा और एक ये रहा, कॉमन निकाल लो. तो dy by dx कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में, अंदर क्या रह गया, x पावर y इंटू log ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू y की पावर x माइनस 1. तो बाकी टर्म को एक साथ रख लेते हैं, क्या रहेगी, y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस log ऑफ y.
इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए, हमें सिर्फ हमें डी बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी टर्म को जीरो के पास ले जाएंगे और जो डी बाई डी एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर है वो क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, ये प्लस की टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, दैट इज माइनस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई। तो वाई माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या बन जाएगा, और ये वाली जो टर्म है ये हम क्या कर देते हैं, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, माइनस कॉमन आ गया, y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन प्लस लॉग ऑफ y। ठीक है, और ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x पावर y लॉग ऑफ x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस वन, दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हम, कि था क्या एक्चुअल में, यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था और फंक्शन क्या था हमारा, x पावर y प्लस y पावर x था इक्वल्स टू वन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शन नहीं था कि y इक्वल्स टू समथिंग करें, यहाँ पे दो हमें दे दिए फंक्शन। तो देखो हमने क्या किया, इसको तो हमने u लेट कर लिया, इसे हमने v लेट कर लिया इक्वल्स टू वन। मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का क्या होगा du बाई डी एक्स, v का क्या होगा dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, क्योंकि वन क्या है कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे u क्या ले लिया मैंने, x पावर y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ये क्या आ जाएगा log u इक्वल्स टू log ऑफ x पावर y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ गया जाएगा, u इंटू v से क्या कर दिया हमने डेरिवेटिव कर दिया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, डी। यहाँ पे इस मामले में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे y आ गया, जब u है तो du बाई डी एक्स कर दिया, तो देखो y है तो dy बाई डी एक्स बनेगा, ऑब्वियस है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये du बाई डी एक्स की क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू, v इक्वल्स टू क्या है, y पावर x है, हमें dv बाई डी एक्स निकालना है। सिमिलरली हमने बिल्कुल सेम वैसे किया जैसे du बाई डी एक्स किया, तो यहाँ से मेरे पास dv बाई डी एक्स आ गया। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें मुझे क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो में। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी, मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसकी चाहिए थी, du dy बाई डी एक्स की। तो मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट रिमूव किया, उसके बाद जो अपोन में टर्म थी उसे मैं ऊपर ले गई, तो दैट माइनस वन हो जाएगी वो पावर उसकी, तो इकट्ठा लिख दिया, dy बाई डी एक्स को एक साथ रख दिया मैंने, क्योंकि ब्रैकेट मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी टर्म्स को एक साथ रख दिया, इक्वल टू दूसरी टर्म को हम यहाँ पे ले गए और उसको अपोन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 करते हैं, नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फाइंड डीवाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है, वाई पावर एक्स इक्वल टू एक्स पावर वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यू और वी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है वाई पावर एक्स इक्वल टू एक्स पावर वाई। यहाँ पे आप चाहो तो आप कर सकते हो, इसे यू ले लो, इसे वी ले लो, अलग अलग कर दो, बट हम यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधा करेंगे। सीधा देखो क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे, taking log on both sides, log ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, log of y power x equals to log of x power y। ठीक है, और log में आपको पता है पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x आगे आ गया into log of y equals to y आगे आ गया into log of x। देखो अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, यहीं पे हमें u और v लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे होगा, ये यू इंटू वी से हो जाएगा यू वी, और ये भी यू इंटू वी से, क्योंकि दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में आ गए, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यू इंटू वी वाला। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स एज इट इज लॉग वाई का डेरिवेटिव, पहले लॉग का क्या हो जाएगा वन बाई वाई, फिर वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, प्लस लॉग वाई एज इट इज, और एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी वही करेंगे, y as it is log x का क्या हो जाएगा वन बाय एक्स हो जाएगा, प्लस log x as it is y का क्या हो जाएगा dy by dx। तो देखो यहाँ पे जब हमारे को डायरेक्ट मिल रहा है कि हमें u भी नहीं लेना, तो हम सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, उनमें हमें u भी लेने की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम सीधा कर देंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से x by y इंटू क्या होगा dy by dx प्लस क्या आ जाएगा log of y इक्वल्स टू ये क्या आ गया y बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे चाहिए क्या यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो उनकी मैं टर्म्स को एक साथ रखूंगी, बाकी टर्म्स को एक साथ रखूंगी, इसे हम यहाँ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा x by y into dy by dx, ये प्लस का log x dy by dx इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा log x into dy by dx आ गया, equals to y by x तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, ये log y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, dy by dx कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा dy by dx हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x by y माइनस log of x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वाई आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। नाउ डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम एलसीएम लेना चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, नहीं लेना चाहे तो हम सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे वाई बाई एक्स माइनस क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वाई होल अपॉन x बाई वाई माइनस क्या आ जाएगा log ऑफ x एंड दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे क्या था, सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल ही, हमें इक्वल टू में दे रखा था तो हमने क्या किया u भी नहीं लिया यहाँ पे, डायरेक्ट टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स किया हमने, ठीक है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स किया, दोनों साइड्स log ले लिया, उसके बाद क्या किया पावर क्या आगे हमारी दोनों की, उसके बाद क्या किया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया u इंटू v से। तो सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल ही, हमें डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो यू इंटू बी मेथड लगाया और हमें डीवाई बाई डी एक्स की क्या मिल गई वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू कॉस वाई की पावर क्या हो गया एक्स हो गया। तो सेम पहले जैसे हमने 13th क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स की पावर क्या दे रखा है वाई इक्वल्स टू कॉस वाई की पावर क्या दे रखा है हमें एक्स दे रखा है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही फंडा है, यू और वी नहीं लेने की जरूरत है, डायरेक्ट हम कर देंगे क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लॉग क्या ले लेंगे दोनों साइड ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ cos x की पावर y इक्वल्स टू log ऑफ cos y की पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो log में क्या होता है पावर आगे आ जाती है, आगे आ जाएगी क्या बन जाएगा y इंटू log ऑफ cos x इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ cos y आ गया। ठीक है अब हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है तो u इंटू वी से चलेगा, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो हम y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos x, तो log का क्या हो जाएगा पहले 1 बाय cos x हो जाएगा, फिर किसका डेरिवेटिव होता है cos x का, क्योंकि डेरिवेटिव हम टर्म वाइज करते हैं, पहले log का कर दिया फिर cos का कर दिया फिर एंगल का यानी कि x का कर देंगे, दैट इज 1 होता है। cos का क्या होता है हमारा माइनस का sin x होता है। ठीक है और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस log of cos x as it is और y का क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा। ठीक है इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास x as it is log of cos y का क्या होगा पहले 1 by cos y और फिर cos का क्या होगा माइनस का sin y हो जाएगा इनटू में। अब यहाँ पे देखने वाली बात है वहां पे x का तो 1 हो गया था बट यहाँ पे क्या है y है तो y का क्या बनेगा dy by dx, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, बच्चे मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं। प्लस क्या हो जाएगा हमारा log of cos y as it is और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है अब हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस का साइन x अपॉन cos x, तो सीधा लिख देंगे हम ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट x, क्योंकि साइन x बाई कॉस x क्या होता है टेंजेंट x होता है। प्लस क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ cos x इंटू क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, ये भी माइनस साइन y अपॉन cos y दैट इज टेंजेंट y, क्या हो जाएगा माइनस का x टेंजेंट y इंटू क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा log ऑफ cos y आ जाएगा। ठीक है अब हमें क्या करना है dy वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम ये वाली टर्म माइनस वाई टेंजेंट उधर ले जाएंगे और डीवाई बाई इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा ये एक्स टेंजेंट वाई क्या माइनस का, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स इंटू टेंजेंट वाई डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस वाई, ठीक है प्लस क्या हो जाएगा वाई टेंजेंट एक्स।
मैंने क्या किया, ये y टेंजेंट x माइनस का इधर लेके आई हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें कॉमन निकालना है dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, log of cos x प्लस क्या आ गया, x टेंजेंट y, ठीक है, इक्वल टू में ये एज इट इज पढ़ा रहेगा, log of cos y इक्वल प्लस क्या हो जाएगा, y इंटू टेंजेंट x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड करना है, सिंपल dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log of cos y प्लस y इंटू टेंजेंट x होल अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, log of cos x प्लस क्या आ जाएगा, x इंटू टेंजेंट y, दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल इजी है, पहले वाले की तरह ही है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे वहाँ पे x पावर y एंड y पावर x था, यहाँ पे cos की आ गई, तो कुछ नहीं करा हमने, क्या किया, इधर log लिया दोनों साइड, तो log के बाद क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या ले लिया, log ले लिया, और उसके बाद क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, सिंपल था बिल्कुल ही, पावर आगे आ जाएगी, u इंटू v मेथड लगा दिया दोनों साइड, u इंटू v क्या होता है आपको पता ही है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इनको इकट्ठा कर लिया dy बाई डी एक्स को, बाद में लास्ट में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 15 क्वेश्चन हमारा है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन x इंटू y इक्वल्स टू e पावर x माइनस y। तो सेम हम क्या लेके चलेंगे, पहले एज इट इज उतार लेते हैं, क्या है हमारा e की पावर x माइनस वाई, तो फिर से हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। वैसे ही क्वेश्चन आप इस टाइप से भी कर सकते हो, अगर आप लॉग ना भी लेना चाहो तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी से हो जाएगा, और e पावर x माइनस वाई का डेरिवेटिव आपको पता है, e पावर x माइनस वाई एज इट इज, फिर x का वन हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा, माइनस का dy बाई dx। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, आप लॉग के मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग लिया है मैंने, तो क्या लिखूंगी मैं, लॉग इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू log e x माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब देखो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या थी हमारा log m इंटू एन, log m इंटू एन क्या था हमारे पास, log m प्लस क्या था, log n था। एक यहाँ पे और प्रॉपर्टी क्या यूज होगी कि log e जो होता है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, इन दोनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे log x इंटू वाई क्या बन जाएगा मेरे पास, log x प्लस log y, क्योंकि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है। यहाँ पे क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी, x माइनस वाई क्या आ गया, आगे आ गया, यहाँ के क्या बचा, log e, और log e की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, क्योंकि log e क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास क्वेश्चन, log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस y, सिंपल बन गया। अब हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, और x का क्या होता है, 1 होता है, log y का क्या होगा, 1 बाई वाई इंटू क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स, क्योंकि log का तो 1 बाई वाई हो गया, बट y का क्या होगा, dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस y का क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट है मुझे क्या करना है, dy वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखना है, तो ये 1 बाई एक्स उधर ले जाते हो, ये आ गया 1 बाई वाई इंटू dy वाई बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, 1 बाई वाई प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x। एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई, वाई आ गया इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, x आ गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, y इधर क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई, यही होता है ना, ये सबको पता होगा, ये हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या बन गया, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y x माइनस 1 अपॉन x y प्लस 1 एंड दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था, x इंटू वाई, अगर आप लॉग नहीं लेना चाहो तो आप सिंपल कैसे करोगे, x इंटू वाई को u इंटू वी से कर लेना, और e पावर x माइनस वाई का देखो मैं आपको सेपरेटली बताती हूँ, e पावर x माइनस वाई का अगर हम अलग से करते डेरिवेटिव, तो आप क्या करते कि e पावर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते तो वो क्या होता, e पावर x माइनस वाई एज इट इज होता, फिर क्या करते x माइनस वाई का डेरिवेटिव, x का क्या होता 1 और y का क्या होता dy बाई डी एक्स। तो आप इस मेथड से भी इसे कर सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लॉग लिया है, तो लॉग से हमने क्या किया है, देखो लॉग से क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, लॉग एक्स इंटू वाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो पावर क्या होती है लॉग में आगे आ जाती है, और लॉग ई की वैल्यू क्या पुट की, वन पुट कर दी, तो क्वेश्चन क्या बन गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बन गया। फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो लॉग एक्स क्या हो गया वन बाई एक्स, प्लस लॉग वाई क्या हो गया वन बाई वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, एक्स का वन हो गया वाई का डीवाई बाई डी एक्स हो गया। सिंपल कुछ नहीं किया, डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साथ रखा, बाकी टर्म को एक साथ रखा, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आज हमने क्या किया, 15th क्वेश्चन तक कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पेंडिंग क्वेश्चन करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।